हेयर वी हैव मिस्ट्री बॉक्स फ्रॉम हसनैन टेक्निकल। लेटेस्ट वीडियो तो देखी होगी जिसमें हसनैन टेक्निकल ने जो है अपने स्टोर पे एक डील लगाई थी कुछ टाइम के लिए। आई थिंक अब वो ख़त्म भी हो गई होगी, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन उसमें जो था मिस्ट्री बॉक्स था कि एक 99.99 का और एक 499 का। तो ये 999 वाला है और इसमें क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, देखते हैं। तो तीन क्यूब ऐसे मुझे महसूस करने से पता लग रहा है। अब खोलते हैं इसको और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। इसको खोलने से पहले एक मैं बात करना चाहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और इसके अंदर पहले मैं अपने गैसेज हूँ कि इसके अंदर क्या है। महसूस करने से एक 2x2 है और दो जो है ना वो जो मीडियम जो रेगुलर डब्बे होते हैं वही हैं। और देखते हैं कि क्या एक इनमें से कोई एक छोटा डब्बा है और एक बड़ा डब्बा है। तो छुरी लाते हैं, इसको खोलते हैं। छुरी आ चुकी है और अब इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से खोलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये खुल चुका, एक देखा, दो और तीन। ये तीन क्यूब हैं और ये तीनों क्यूब मेरे पास पहले से ही हैं। और फ़िलहाल इन दोनों को साइड में करते हैं। इधर मेरे पास एक और भी है जी का 2x2 और फ़िलहाल इसको खोलते हैं। पता नहीं इसके अंदर 2x2 है भी कि नहीं। हाँ है 2x2, ये वही मैनुअल। और मैंने अभी पिछली किसी वीडियो में बोला ही था कि मेरे पास जो है ना 2x2 ना ख़राब हो चुका है, इसको भी मैंने ख़राब कर दिया। और एक और भी है वो भी ख़राब हुआ हुआ है। और ये एक और मेरे पास 2x2 आ गया जैसे पहले था सेम उसी तरह ही है। चलो ये एक चीज़ तो सही आ गई, इसकी ज़रूरत थी, एक सॉल्व करते हैं इस पर। बड़े टाइम के बाद इतना नरम जो है ना क्यूब मैंने देखा कह रहा हूँ, महसूस किया, चलाया। और एक सॉल्व करते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट क्यूब पे चलते हैं। अल्लाह इतना गंदा सॉल्व कहाँ है। अभी जो है ना इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है ना नरम है। एक ये क्यूब हो गया और अब दो ये क्यूब हैं, इन दोनों को साथ खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट बॉक्स खोलते हैं ये वाला और इसको साइड में कर देते हैं। इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक फिर से मैनुअल और एक जी ई का स्टीकर, जी ई सील, यही नाम है, सील W, ये हमारे पास आ गया दूसरा। ये रहा पहला, मेरा पहला क्यूब जो ये सेम है। और फिलहाल की टर्निंग जो है ना बहुत बकवास हो चुकी है, इसकी चेक करते हैं। वाह इसमें मैग्नेट्स होते हैं ना, क्या ही बात होती, आवाज़ ही बड़ी छोड़ दे रहा है। ये भी बहुत ढीला है, असल में मैंने ना ढीले क्यूब जो है ना इस्तेमाल करने छोड़ दिए हैं। ओहो बहुत ही है ना स्मूथ है, आई थिंक इसको भी कर लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये है फोर्स क्यूब, ये है फोर्स क्यूब हमारे पास, इसको भी साइड में कर दो। ये हमारे पास येलो कलर का फोर्स क्यूब, ओहो ये है हमारे पास येलो फोर्स क्यूब। बस इस पर थोड़ी सी टर्निंग करते हैं यार, येलो भी बड़ा अच्छा लग रहा है यार। मैं पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में फोर्स क्यूब देखा। ये तीन क्यूब हैं जो हमारे पार्सल में से निकले और सबसे अच्छा जो है ना ये लगा, इसकी ज़रूरत भी थी। और अच्छा ये लगा क्योंकि मैंने पिछली किसी वीडियो में कहा था कि मुझे इसकी ज़रूरत भी है। और ये भी क्यूब भी अच्छा निकल आया। ये तीन क्यूब मेरे निकले और आप लोगों ने अगर ऑर्डर किया तो आप लोग बताओ आपका कौन कौन सा क्यूब निकला है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे तो ये सबसे अच्छा लगा वीडियो का, पता नहीं, और आप लोगों को यही अच्छा लगा होगा यार। बाकी तो ये सब जो है ना देखे हुए हैं। ओहो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।